मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार, ओ मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार, सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्वकुमार, अश्वकुमार आया, अश्वकुमार, अश्वकुमार आया, अश्वकुमार आया रे, आया रे, आया रे, आया रे अश्वकुमार, क्या सोच में पड़ा है हीरा? यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले कोई अपनी पसंद का। यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है? क्यों, सही कहा ना मैंने हसन मियाँ? हीरा भाई, इनके चक्कर में मत पड़ना, ये बस नाम के ही होशियार हैं। गांव में इनके चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे। तो क्या हुआ, कम से कम सही घोड़े की पहचान तो करा ही देंगे। हाँ बेटा, हमसे कुछ कहा क्या? सही समय पर आए हो चाचा, मुझे एक अच्छा घोड़ा खरीदना है, उसकी कुछ पहचान बता दीजिए। अरे बेटा, ये घोड़े भी ना बड़े चालाक होते हैं, अगर इनको बिकने का मन ना हो तो सुस्त बनकर लेट जाते हैं, जिससे तुम्हें लगे कि ये तो बड़ा ढीला है और तुम उसे ना खरीदो। मेरी राय में जो तुम्हें सबसे सुस्त घोड़ा दिखे उसे खरीद लो, एक तो पैसा भी कम लगेगा और वो तुम्हारे काम भी खूब आएगा। ये क्या बात कर दी चाचा, सुस्त घोड़ा और वो भी अच्छा, भला कैसे? अरे बेटा, तुम कौन हो और क्या तुम्हें भी सही घोड़े की जानकारी चाहिए? बात चले जब घोड़ों की और मन में उठे सवाल, तब हटाने सारी शंका आ जाता अश्व कुमार। अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगे हैं? अरे बिल्कुल नहीं चाचा, बस आपके साथ कुछ खेल खेलना चाहता हूँ। वैसे कोई घोड़ा अच्छा या खराब नहीं होता, अगर हम घोड़ों के मन की बात समझ जाएं तो सारे घोड़े अच्छे, और अगर नहीं समझ पाए तो समझो सारे खराब। मैं अश्वों का साथी, मेरा नाम अश्व कुमार, खेल खेल में आओ समझें अश्वों का व्यवहार। चलिए इन तस्वीरों की मदद से जानते हैं कि हम अपने जानवरों को कितना समझते हैं। इस तस्वीर को देखकर क्या पता चल रहा है? देखो बेटा, हमें तो लग रहा है कि इस घोड़े को ठंड लग रही है। नहीं चाचा, अगर अश्व कभी ऐसा व्यवहार करे तो इसका मतलब है कि वो बहुत आक्रामक है और हमला भी कर सकता है। अच्छा, अब इसे पहचानो। अरे होशियार चाचा, जवाब नहीं दिया आपने। बेटा, इसका मतलब है कि अब वो डर नहीं रहा। क्यों? हाँ वो तो ठीक है चाचा, इसका मतलब है कि वो हमारी बात सुन रहा है। सही जवाब हीरा भैया, इसका मतलब वो चौकन्ना है और आहट ले रहा है। अब इसको देखकर बताओ। ये तो बीमार जैसा दिखे है। बहुत सही हसन भैया, घोड़ों की झुकी गर्दन बताती है कि वो सुस्त हैं और मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान है। चलिए अब आखिरी बार इस तस्वीर को और देख लेते हैं, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? ये शायद किसी चीज से डर रहा है। बिल्कुल सही कहा हीरा भैया, जब ये किसी मुसीबत में हो या डरे हो तब ये ऐसा बर्ताव करते हैं। मेरे सारे जवाब गलत हो गए, अब की बार कुछ ऐसा करूंगा जिससे सबको यकीन हो जाए कि मुझे जानवरों के बारे में सब कुछ पता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? चाचा जी, आपको तो इसका काफी तजुर्बा होगा। हाँ बेटा, वो ये जैसे अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं ना, वैसे ही लड़ने का मूड बना रहा है। नहीं होशियार चाचा, अपनी थकान मिटाने के लिए या जब ये खुश होते हैं तब ऐसे लोटपोट करते हैं, ऐसा करना इनकी अच्छी सेहत की निशानी है। आओ अब एक चीज सीखें,
कि कैसे हम इनके सुमो को साफ करने के लिए इनका पैर उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है, और ये चाचा जी ये क्या किया आपने, ऐसा दोबारा कभी मत करिएगा। अश्वों के पास जब भी जाएं, प्यार से आवाज दें और धीरे से उसके पास बगल से जाएं, ठीक आगे या पीछे से ना जाएं। वो क्या है ना बेटा, ये वाला घोड़ा मेरे गांव का नहीं है, वरना तो खुद चलकर मेरे पास आता और बोलता लो चाचा उठा दो मेरा पैर। क्यों भाई? ध्यान रखिए, पहले आपको जानवर को सहलाकर ये महसूस कराना है कि आप उसके दोस्त हैं। उसके बाद अपने हाथ को धीरे धीरे गर्दन से पैर तक लाइए और फिर पैर उठाएं, नहीं तो वो अनजाने में डर कर आपको चोट पहुंचा सकता है। अश्वों को जब भी खतरा होता है तो वो अपना बचाव करने के लिए उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनके पास भागने की जगह नहीं हो तो वो हमला भी कर सकते हैं। कई बार जब किसी बीमारी से परेशान हो तब भी वो हमला कर सकते हैं। धन्यवाद कुमार भैया, बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए और हमें आपसे इतना सब जानने का मौका मिला। जितनी भी बातें सुनी सबको रखना याद, लोगों तक पहुंचाओगे तब होगी कुछ बात। अरे होशियार चाचा, इतनी जल्दी कहाँ भागे चले जा रहे हो, अच्छा वाला घोड़ा तो दिलवा दो। बेटा आज कुछ तबीयत सही नहीं लग रही, वो मैं बाद में खरीदवा लूंगा। मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार, ओ मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार, सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्वकुमार। अश्वकुमार आया, अश्वकुमार, अश्वकुमार।